वर्कशीट आ गई मॉड्यूल 3। ओके बेटा, आपके पास मॉड्यूल 3 आ गया इस टाइम, सबके पास है। ओके मॉड्यूल 2, दो क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे बेटा मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन था आपकी एनसीईआरटी से। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो बेटा मोस्ट वेलकम। नाइन्थ ई, नाइन्थ बी, नाइन्थ डी, आई थिंक दीज आर प्रेजेंट। ई बी और ए भी आ गई है, ई आ गया है। नाइन्थ की है सर, हाँ है मैम बिल्कुल। ओके बेटा, मॉड्यूल 3 बहुत सारे क्लियर है ना, देर आर 9 क्वेश्चंस इन द असाइनमेंट। डू यू हैव ऑल द 9 क्वेश्चंस? ओके, कोई पूछना चाहता है बेटा कुछ प्रीवियस क्लासेस में से? बिकॉज सून वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट, जितना हमने अभी तक किया है उस सबका आपका टेस्ट होगा, ठीक है? तो अगर किसी को कोई डाउट है, कोई भी कुछ पूछना चाहता है रिलेटेड टू स्लोप, एक्सलरेशन, रिटार्डेशन, एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी टॉपिक, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सो मेनी टॉपिक्स टिल नाउ वी हैव कवर्ड, कोई किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम, यस, फ्रॉम विच सेक्शन? 19 नाइन्थ ई। यस बेटा बोलिए। मैम, मॉड्यूल 2 का 6th क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हो? वो हुआ नहीं अभी। मॉड्यूल 2 का जस्ट ए मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कर यस मैम, लेते हैं बेटा। पहले मुझे ये बताइए, आपने होमवर्क के क्वेश्चंस किए या नहीं किए? एम यस कंप्लीटेड। आप ही दिखाइए जरा मुझे, शो मी योर नोटबुक बेटा ये माइक तो। साइड में रखो। बेटा इट इज पॉसिबल 9 थी जो भी, हाँ माइक अगर आप शिफ्ट कर सको। माइक को अपने चेस्ट पे मत रखो, तो ये कह दो, वो तो गिरने वाला था अभी, वो फिर हाँ वापस बिल्कुल लगा बिल्कुल, नाइन थी। ओके बेटा, कंप्लीट हो गए दोनों क्वेश्चन, बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल पिक हियर, उनसे जूम हो जाएगा थोड़ा, एक ही क्लास दिख रही है बड़े में। ये नाइन थी माइक साइड में रख लो जी, माइक ना मैम प्लीज। हाँ माइक साइड दूसरे टेबल पे कर दीजिए जो खाली पड़ा। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 6, मेरे को बोला गया कि नहीं हुआ था, आई थिंक क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड टाइम फ्रॉम ए टू बी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप चाहो तो खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। प्रेजेंटेशन है सर? नहीं, मेरे को ब्लैक वुड बोर्ड चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट योर ग्राफ बच्चे, इट्स अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इट्स अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ राइट, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? देखिए बेटा, पहले तो मुझे ये बताइए कि ए टू बी में विच टाइप ऑफ द मोशन इज देयर। वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस, ऐसे है ना ग्राफ, तो ये ए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, विच टाइप ऑफ मोशन इज हियर? दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स, सॉरी किलोमीटर्स, इन किलोमीटर्स, एंड टाइम हमारे पास है आवर्स में। तो कैन यू प्लीज टेल मी विच टाइप ऑफ मोशन ए बी इज रिप्रेजेंटिंग एज नाइन्थ ए, फ्रॉम नाइन्थ ए संदीप। यस स्पीक लाउडली संदीप, बेटा, विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, वेरी गुड। एंड देन आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस, कैन हु विल टेल मी नाउ फ्रॉम नाइन्थ बी? अरमन जोत सिंह, नाइन्थ बी अरमन जोत सिंह, विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस नाउ?
मैम ही इज एब्सेंट टुडे। एब्सेंट टुडे, ओके। एनीवन एल्स मैम, कैन यू प्लीज हेल्प? कोई और बता दे, थोड़ा एवरेज स्टूडेंट हो मतलब ना, इज फास्ट फास्ट। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। हेयर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन, एंड वॉट इज हैपनिंग आफ्टर दैट? सी डी, वॉट इज हैपनिंग हेयर? हु विल टेल मी? नाइन बी अगेन, प्रभजोत कौर। प्रभजोत कौर, यस। मैम यूनिफॉर्म मोशन। अगेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, वेरी गुड। गो बैक टू योर सीट। नाउ अगर आप केयरफुली देखोगे टू वर्ड्स बी, द टाइम इज 20, विथ सी द टाइम इज 40, एंड विथ डी द टाइम इज 50। दिस इज द ग्राफ यू हैव अलोंग बी। हेयर यू हैव द डिस्टेंस 40, एंड विथ डी यू हैव द डिस्टेंस नियरली 70, राइट बेटा? नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड टाइम फ्रॉम ए टू बी। ऑब्जेक्ट ने ए टू बी आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया? ए टू बी, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन दिस पार्ट? 40 किलोमीटर, लुक, यस, दिस मच डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड, दिस मच डिस्टेंस, 40 अंडरस्टैंड? किलोमीटर। हाँ, तो ए टू बी हाउ मच डिस्टेंस इज देयर? 40 किलोमीटर। एंड इन हाउ मच टाइम? इन 20। ट्वेंटी आर हाँ, ये आई थिंक यूनिट्स गलत हो गई, आई शुड बी मिनट होना चाहिए यहाँ पर। 20 आवर्स तो इनफ टाइम है, ठीक है, इट शुड बी 20 मिनट्स। कर लीजिए बेटा टाइमिंग्स को यहाँ पर, ठीक है, तो इट शुड बी 20 मिनट। नाउ द व्हाट इज द सेकंड पार्ट सेइंग? सिमिलरली यू कैन डू द सेकंड पार्ट। आप करोगे अपने आप से एक बार? मैम, यस, सिक्स्थ क्वेश्चन में जो टाइम है मैम वो क्वेश्चन में आगे लिखा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना बेटा, ओनली 40 किलोमीटर डिस्टेंस 20 आवर्स में तो फिजिबल सा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैंने टाइम मिनट में करवा दिया आपको, ठीक है? यस मैम। ओके, तो ए टू सी वाला कोई पार्ट मुझे अपने आप से करके दिखाएगा, जस्ट डू इट योर सेल्फ। ए टू सी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? यस बेटा, आई एम ऑडिबल? ओके, आपने क्वेश्चंस कंप्लीट किया? क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट हो गया बेटा आप सबका? ओके, मुझे बताइए ए टू सी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? व्हाट इज द डिस्टेंस कवर? 40 किलोमीटर पर 40 मिनट्स। यस, देखो, इट इज अगेन 40 किलोमीटर। हु विल टेल मी द रीजन? मेरे पास नाइन्थ सी, नाइन्थ सी इज देयर, नाइन्थ सी इज देयर, यस। एनीवन, ईशा फ्रॉम नाइन्थ सी, यस। आफ्टर दैट फ्रॉम नाइन्थ ई, मैम किसी को रेडी रखिए फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आंसर करने के लिए। फ्रॉम नाइन्थ ई, आफ्टर दैट, आफ्टर ईशा, यस ईशा, व्हाट इज द रीजन दैट स्टिल द आंसर इज 40 किलोमीटर? अभी भी 40 किलोमीटर क्यों है? And because body is at rest. बिकॉज देखो ना, यस, वेरी गुड ईशा, गो बैक टू योर सीट। बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वो मूव ही नहीं कर रहा है, बी पर जाकर वो रुक गया। कितने टाइम पीरियड के लिए रुका वो, कौन बताएगा? फ्रॉम नाइन थी 20 मिनट्स 20 मिनट्स। देखो, बी पे टाइम था 20 एंड सी पे टाइम था 40, तो गैप कितना आया इसका टाइम का? 20 गैप आया। तो 20 मिनट्स के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसकी अभी भी 40 ही रहेगी। नाउ व्हाट विल बी नेक्स्ट पार्ट क्या था आपका? इज द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एट एनी टाइम? ये आपका हो गया, बस यही क्वेश्चन था, दैट्स इट।
अगर आप मुझे बताना चाहो ए टू डी, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू डी, हु विल टेल मी? 70 70 किलोमीटर। यस, इट इज 70 किलोमीटर। सी बेटा, आपके पास दो तरह के ग्राफ्स हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? दो तरह के हमने ग्राफ किए, एक हमने किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक हमने किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है तो आपने सिंपली क्या देखना है, वाई एक्सिस की तरफ देखना है और आपने डिस्टेंसेस को बता देना है कि 40 किलोमीटर, ठीक है, 70 किलोमीटर। बट अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और आपसे पूछा जाए, सपोज करो ए है, बी है और ये ओ है, और आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बताओ कितना कवर किया ए टू बी, और यहां पर लिखा हुआ है सपोज करो 80, ठीक है, टाइम आपको दिया गया है लेट अस से 40 मिनट्स या सेकंड्स, व्हाट एवर इट इज। अब इस केस में हमने क्या करना है, अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कौन बताएगा? यस, एनी सेक्शन, 9th B। 9th B से कोई मुझे बताए? यस शुभम, 9th B एरिया। एरिया, वेरी गुड। तो इस केस में हम फाइंड करते हैं एरिया। तो जैसी भी शेप बन रही है, वो ट्रायंगल बना, वो रेक्टेंगल बना, वो ट्रेपीजियम बना, व्हाट एवर द शेप इज देयर, उस शेप का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं और वहां से हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता लग जाता है, राइट? सो बी वेरी केयरफुल, जब भी आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए, लुक केयरफुली एट द ग्राफ, वेदर इट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यू नीड टू फाइंड एरिया फॉर द डिस्टेंस, फॉर एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर डिस्टेंस। वेयर एज इन दिस ग्राफ जो कि हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें जो हम है एरिया कैन बी सॉरी डिस्टेंस कैन बी फाइंड डायरेक्टली, डिस्टेंस हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस कैन बी फाइंड डायरेक्टली, इज दैट क्लियर? Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था बेटा सबने, एक बार आंसर डिस्कस कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, हाउ मच इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी? 400 मीटर, 400 किलोमीटर। यस, एंड फ्रॉम ए टू सी? 500 मीटर। वेरी गुड। टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज, 400 मीटर। एंड फ्रॉम ए टू सी? 300 मीटर। क्या बात, वेरी गुड, इट्स 300 मीटर। नाउ कम टू एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी? एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ए टू बी का टोटल डिस्टेंस इज 400 एंड टोटल टाइम कितना लगा था उसको? 40, तो इट विल बी 10 मीटर्स पर सेकेंड। आपके पास आंसर आएगा एवरेज स्पीड का 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है? नाउ आपके पास फाइंड करना है आपने एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? ये आ गई अब एवरेज स्पीड। आगे आपसे क्या पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी बेटा फ्रॉम ए टू बी, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी? ऐसे है ना, आपके पास ए है, बी है, सी है, तो ए टू बी बेटा जो कुछ भी आपका डिस्टेंस के लिए होगा ए टू बी में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल रिमेन सेम। जो एवरेज स्पीड का आंसर होगा और एवरेज वेलोसिटी, वो दोनों भी सेम रहेंगे फ्रॉम ए टू बी। 10 मीटर पर सेकेंड।
यस, देन इट विल बी 10 मीटर्स पर सेकेंड. ये डेटा हमने कैलकुलेट किया फ्रॉम ए टू बी के लिए, बट ए टू सी के लिए हमारी जो कंडीशंस है ना वो बदल जाएंगी. ठीक है, ए टू सी में क्या चीज है? ए टू सी में ऑब्जेक्ट वापस आ चुका है और सी पर वो स्टॉप हो गया. ठीक है, तो ए टू सी में जो डिस्प्लेसमेंट थी वो कितनी थी? 300 मीटर. अभी आपने ही बताया टोटल हमारे पास कितना था, 500 दिया, 400. 400 मीटर, इट इज 400 मीटर. ठीक है, और वो वापस कितना रिटर्न कितना हुआ, उसने कितना किया, 100 मीटर वो रिटर्न आया. ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा बन चुका था ए टू सी में, ए टू सी में डिस्टेंस हमारा आया था 500 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारी आई 300 मीटर. तो देखो ए टू सी में कंडीशंस चेंज हो गई ना, मैम. यस ए टू बी में सब कुछ सेम रहा था, ए टू सी में कंडीशंस चेंज हो गई हैं. बट हमने पढ़ा था कि टाइम तो बदलता नहीं है, टाइम तो वहीं का वहीं, टाइम तो एड ऑन होता रहता है, टाइम तो एड ही होगा. टाइम इस कंडीशन के लिए आपका क्या रहेगा? टाइम विल सेम. रिमेन सेम फॉर बोथ केसेस. ठीक है, फॉर बोथ केसेस. आई होप ये समझ आ गया. दो तीन यस क्वेश्चंस कर चुके हैं अब हम इसके साथ के. तो आपकी एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड, अगर ए टू सी की बात करें तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी निकलेगी? 8.3. 8.3 मीटर्स पर सेकेंड. और एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकेंड. पर सेकेंड. यस, इट विल बी 5 मीटर्स पर सेकेंड. सो ऑल द आंसर्स आई हैव रिटन, तो आप देख सकते हो. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट मॉड्यूल. इज इट क्लियर? यस. ओके जी. दिस इज अ मॉड्यूल यू हैव, मॉड्यूल 3. मॉड्यूल 3. यस बेटा, मॉड्यूल 5 लिखा हुआ है. इट्स असाइनमेंट 3 बेटा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1. द एडजॉइनिंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ, किस चीज का ये मोशन एक्सप्लेन कर रहा है ग्राफ? आप पहले मुझे ये बताइए. ठीक है, अब मुझे ये चीज बताइए, ए टू बी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी देन द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग. एंड फ्रॉम सी टू डी, हेयर द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. हेयर इट इज इंक्रीजिंग. एंड इन बी टू सी व्हाट इज दिस? रेस्ट. रेस्ट नहीं है बेटा, द ऑब्जेक्ट इट्स अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. 0. यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. मतलब कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या कि अगर ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है तो बी टू सी वो 30 मीटर पर सेकेंड की, वो स्कूटर चला रहे हो तो आप स्पीड नहीं चेंज कर रहे हो, आप सेम स्पीड से चल रहे हो, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. और उसका ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस बनता है. रुका नहीं हुआ, रुका हुआ होता अगर ये हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता. अगर इसमें ऐसा कुछ दिखाते ना फिर हम बोलते कि ये रेस्ट पर है. अभी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. ठीक है, ये कंफ्यूजन होती है बट आपकी अब तक दूर हो जानी चाहिए, अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. तो ये मैंने डिक्रीजिंग लिखा है, ये इंक्रीजिंग, और ये यूनिफॉर्म मोशन है. मतलब कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सेम स्पीड. सो नाउ कैन यू टेल मी द राइट आंसर? जस्ट मार्क योर ऑन आंसर, आई विल आस्क टू समवन. यस, फ्रॉम 9th है क्षितिज. नाइन्थ है I'm क्षितिज. shifted to class 9C. 9C. ओके, एनीवन एल्स? मानव. मैम शिफ्टेड. इन विच सेक्शन बेटा? मैम ई. 9C. ओके, योगेश्वरी. मैम शिफ्टेड. ओह माय गॉड, इन विच सेक्शन बेटा बता दो फिर.
मैम नाइन्थ बी। बी ओके अमित मैम शिफ्टेड। ओके जी मैम आप ही किसी से बता दीजिए पूछ के है ना जो भी प्रेजेंट उनमें से आप मुझे किसी के बारे में किसी को खड़ा कीजिए सो दैट आई विल गेट द राइट आंसर। सुन के नहीं बताना है किसी से बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क द रीजन ऑल्सो। सानिया दीप नवदीप कोई है इस सेक्शन में। मैम सानिया। मैम सानिया चलिए बेटा सानिया आप बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। थोड़ा टाइम लग यस मैम बी थोड़ा सा क्विक ना थोड़ा सा टाइम फिर ऐसे तो पहले भी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। नन ऑफ दीज ओके कैन एनीवन विद डिफरेंट आंसर। नाइन्थ ए यस नाइन्थ ए विद एनी डिफरेंट आंसर। नाइन्थ ए वासुदेव बी क्विक बेटा थोड़ा सा फास्ट एंड फॉर क्वेश्चन नंबर टू नाइन्थ बी से मेरे पास आएंगे मनप्रीत सिंह फॉर क्वेश्चन नंबर टू ओके ए ओके इट इज राइट आंसर इट कैन बी द राइट आंसर। एनीवन एल्स विद एनी अदर आंसर। नाइन्थ ए अगेन प्रभजोत मैम बी ऑप्शन। बी इज द ऑप्शन ओके बेटा राइट आंसर विल बी द बी आंसर बिकॉज सी अ ट्रॉली स्लाइडिंग डाउन अ स्लोप। देखो ये हो सकता है द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर क्या होता है ऐसे ऐसे जाते हैं है ना मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड फिर मैक्सिमम मतलब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड वाला केस नहीं आता है ठीक है। तो उसके नन ऑफ दीज का हम देख लेते हैं कि बाकी है कि नहीं। एन एक्सलरेटिंग कार फाइनली मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड कमिंग टू रेस्ट कैन इट बी द राइट आंसर। एक कार एक्सलरेट हो रही है यहां पे ठीक है ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है आप बताइए जरा इज द वेलोसिटी डिक्रीजिंग इट इज इंक्रीज इंक्रीजिंग द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग हेयर एंड द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग ओवर हेयर ऑप्शन यस ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बेटा। बी में देखो कह रहे हैं ट्रॉली स्लाइडिंग डाउन अ स्लोप अगर एक ट्रॉली नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ठीक यस है। आई थिंक इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन जाएंगे बेटा आपकी बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। देन मूव्स ऑन अ यूनिफॉर्म मोशन एंड फाइनली पुश्ड अप अनदर स्लोप फिर वो अनदर स्लोप पे चल रही है तो उसकी वेलोसिटी फिर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। बोथ ए एंड बी आर योर करेक्ट आंसर। बी में जो नन ऑफ द दीज ऑप्शन दी हुई है ना उसमें आप कर लीजिए बोथ ए एंड बी राइट ठीक है। एक्सलरेटिंग कार मतलब कार की स्पीड बढ़ रही है फिर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ठीक है हमें वो पार्ट धीरे स्लो होकर रेस्ट पर आ गई है। बोथ यस बोथ ए एंड बी आर द राइट ऑप्शंस। नन ऑफ नन इसकी जगह बेटा बोथ ए एंड बी कर लीजिए क्योंकि ये आई थिंक ए एंड बी दोनों ही आएंगे इसमें आंसर ऑफ ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू हाँ जी किसको बोला था मैंने फ्रॉम नाइन्थ बी। नाइन्थ बी मनप्रीत सिंह ऑप्शन लेफ्ट द स्कूल ओके सागर प्रताप। सागर प्रताप फ्रॉम नाइन्थ बी व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू पार्ट वन। हाउ डिड बी स्टार्ट आफ्टर ए व्हेन डिड बी स्टार्ट आफ्टर ए सॉरी यस शो द डिस्प्लेसमेंट दिस ग्राफ शोज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू बॉयज ए एंड बी अलोंग द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हेन डिड बी स्टार्ट आफ्टर ए। बी ने कितनी देर बाद स्टार्ट किया ए के स्टार्ट करने के बाद आफ्टर 2 आवर्स ठीक है। 2 आवर्स देखो ए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और बी ने यहां से स्टार्ट किया तो कितना टाइम गैप आ गया 2 आवर्स। वेरी गुड
गो बैक टू सी बेटा, हाउ फार अवे वॉज ए फ्रॉम बी वेन बी स्टार्टेड? डू यू गेट द क्वेश्चन? टेन व्हाट किलोमीटर इज द क्वेश्चन इज आस्किंग? यस सॉरी, यस ए व्हेन बी स्टार्टेड, ए ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था जब बी ने स्टार्ट किया? सी, इसको कैसे देखते हैं बेटा, लुक, अभी क्या चीज है, बी ने जब स्टार्ट किया तो ए कहां पर आ चुका था बेटा एट दिस पॉइंट? तो ए ने टेन कितना किलोमीटर डिस्टेंस बेटा कवर कर लिया उस वक्त? 10 का बी पूछा गया है। सपोज करो अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछे विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर वेलोसिटी, ज्यादा वेलोसिटी किसकी है, बी क्यों है बी की? बिकॉज बी हैज कवर्ड सेम डिस्टेंस डिस्टेंस बिफोर. इन लेस टाइम। देखो ए को, ये ए का कर्व था, दिस इज अ ग्राफ, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये वाला, दिस इज फॉर ए, ए ने स्टार्ट किया था जीरो से, ए को दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यस कहां पर है? हियर। ए को 0 से 20 किलोमीटर फोर डिस्टेंस आवर्स कवर करने के लिए लगे 4 आवर्स, वो उसने फिर भी 20 किलोमीटर कवर कर लिए, कवर कर लिए विद इन 2 आवर्स, तो स्पीड किसकी ज्यादा हुई? बी बी की स्पीड ज्यादा हुई। ठीक है, सेम डिस्टेंस हम ग्राफ में क्या फाइंड करते हैं कि दोनों का एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जाए, फाइंड किया जाए जहां पर दोनों का डिस्टेंस कवर्ड सेम हो, उसके बाद हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम्स को देखते हैं कि उस पॉइंट तक आने के लिए ए को कितना टाइम लगा, बी को कितना टाइम लगा, सी को कितना टाइम लगा, जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे। पहले हम एक कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं, ठीक है, कॉमन पॉइंट कहां पर होना चाहिए? डिस्टेंस पर, दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना था, यस मैम. समझ आई चीज? ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन इज, ई ओवरटेक ए, कब ओवरटेक किया बी ने ए को? बी आफ्टर, हाँ आफ्टर कवरिंग 20 किलोमीटर, है ना, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर व्हेन बोथ हैव कवर्ड, तब बी ने ए को ओवरटेक कर लिया, क्रॉस करके वो आगे निकल गया रिलेटिव की, एक आधा घंटा पहले निकल चुकी है और एक आधे घंटे के बाद चलना स्टार्ट हुई, बट जो बाद में फैमिली चल रही थी उसकी स्पीड ज्यादा थी, तो क्या होगा बाद वाला, आगे वाले को किसी पॉइंट पर पहले इक्वल होंगे? ऐसा हो सकता है ना प्रैक्टिकली, अगर आप सिचुएशन सोचकर चलो, इट्स क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तो ये वही केस है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बी ने कब और कहां, व्हेन एंड वेयर बी ओवरटेक्स ए, कब, आफ्टर कवरिंग यस, आफ्टर 20 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर, एट व्हाट टाइम? आफ्टर फोर 4 आवर्स के बाद नहीं, बी ने तो 2 घंटे बाद ही ओवरटेक कर लिया ना, बी को तो दो यस घंटे ही मैम. लगे ना ओवरटेक करने में, तो बी के बारे में पूछा जा रहा है ना, कब ओवरटेक किया बी ने? आफ्टर 2 आवर्स, बी को तो उसको ओवरटेक करने में 2 घंटे लगे ना, ठीक है, क्या लिखोगे? व्हेन एंड वेयर बी ओवरटेक के आफ्टर कवरिंग 20 किलोमीटर एंड 2 आवर्स, हाँ बी ओवरटेक्स ए। आई होप ये क्लियर हो गया आप यस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए एक बार कीजिए जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड, फटाफट कीजिए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ का ही है, बस इसमें 3 कार्स आ गई है, जस्ट ट्राई योर सेल्फ। विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, ओके मैम. नहीं अपना अपना खुद से ट्राई करो बेटा, तभी आपको डाउट पता लगेगा, प्रॉब्लम पता लगेगी, कहाँ समझ नहीं आया। अगर फर्स्ट पार्ट समझ नहीं आ रहा, लिव इट, स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड पार्ट, बिकॉज 3 कार्स आ गई है ना यहाँ पे, स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड पार्ट, ऑल द कार्स विल मीट एट द सेम टाइम। इन द टाइम मैम डन. ओके जी, वेट फॉर अदर्स ऑल्सो। 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर एक्सटेंड हो सकता है बेटा, 100% वर्कशीट कंप्लीट नहीं होगी, नहीं तो ये भी देखते हैं। पे गया. शुड आई डिस्कस?
यस ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट को लास्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं. ऑल द कार्स विल मीट एट द सेम टाइम एज, सर, यस ऑल द कार्स इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, मतलब कुछ ऐसा कि कहीं पे कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है तीन चीजों का आपको, कहीं पे नहीं मिल रहा. मतलब अगर एक पॉइंट मेरे पास यहां पर है तो यहां पर दो दो लाइंस आ रही हैं, यहां पर भी दो हैं, यहां पर भी दो हैं सी और ए, तो कहीं पर भी मुझे तीन लाइंस रही, मतलब मुझे तीनों का सेम इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिला. तो द राइट आंसर विल बी नन ऑफ दीज. व्हेन कार बी पासिस कार ए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार सी इज, यस 6 कर लेना बेटा, डेटा गलत था डिस्टेंस लाइन पर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, किलोमीटर हाउ मच, एट इट विल बी 6 बेटा. व्हेन कार बी पासिस कार ए, कौन सी कार ए है, कार ए ये वाली है और कार बी ये वाली है, तो दोनों ने कहां पर पास कर रहे हैं, 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर 8 कैसे होगा बेटा, कार सी ने पूछा ना, हमको पूछा गया है व्हेन कार बी पासिस कार ए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार सी इज, कार सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था. देखो कार सी स्टार्ट कहां से हुई थी, 2 से स्टार्ट हुई थी ना, 0 से तो स्टार्ट नहीं हुई, और अभी वो कहां पर है, जब कार यहां पर आई ना 8 है, उस वक्त सी ने कितना कवर किया, दिस इज अ क्वेश्चन, गेटिंग माय पॉइंट, जब ए और बी ने दोनों को क्रॉस किया तब सी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, तो सी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड विद 2 ना, एंड डिस्टेंस भी तो देखो ना, उसने 0 से तो स्टार्ट ही नहीं किया, उसने तो स्टार्ट ही 2 से किया, और अभी वो 8 पर है, तो 8 - 2 विल गिव यू 6. मैम समझ आई ये चीज, शुड आई रिपीट, देखो सर एक बार फिर से देखो क्या हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जब कार बी और कार ए आपस में, ए और ये द पॉइंट क्यू, ये वाला पॉइंट, उस टाइम सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सी कहां पर है, ये देखो ये सी का पॉइंट आ गया, सी का पॉइंट यहां मिला डिस्टेंस 8 किलोमीटर, बट 8 था तो स्टार्ट भी तो उसने 2 से किया था ना, उसने 0 से स्टार्ट किया होता तो 8 आंसर होता, बट उसने कितना किया, कहां से स्टार्ट किया, 2 से, तो हमें राइट आंसर मिलेगा बेटा, फॉर फर्दर आपको याद रहेगा 8 - 2 करके आया आपका ये, ठीक है, समझ आई ये चीज, मैम, यस मैं अगर सी ने 0 से तब स्टार्ट एट किया होता होता तो आंसर बिल्कुल. एट और आया अगर मेरे को बताओ अगर सी ने 4 से स्टार्ट किया होता, लेट अस से सी ने स्टार्ट ही 4 से किया होता, टू इस तरीके से कुछ किलोमीटर किया होता, देन 4 सर 2 क्यों होता, हाँ 8 - 4 हो जाता ना फिर, ठीक है फिर 4 किलोमीटर, उनका स्टार्ट नहीं देखना कहाँ रुके वो, स्टार्ट भी तो हो सकता है ना, आधे रास्ते से स्टार्ट किया हो चलना, अब कोई चंडीगढ़ से जर्नी स्टार्ट कर रहा है, दिल्ली जाना है, और कोई सपोज करो अम्बाला से स्टार्ट कर रहा है, तो अम्बाला वाला कम डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है. चल थर्ड पार्ट देखिए, हाउ फार कार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी, अब क्वेश्चन नॉट बी नन ऑफ दिस, क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ फार कार बी ट्रेवल्ड, कार ने कितना ट्रेवल किया बाय टाइम इस पासिस इट पासिस सी, जब उसने सी को क्रॉस, अब कार बी और कार सी का सेम इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए कहां पर है, यहां पर है, यहां बी एंड सी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला हमें, अब मुझे बताइए कार बी कितना कवर कर चुकी है, 5. कार सी ने कितना कवर कर लिया, अगर मैं अगर पूछो कार सी ने कितना कवर किया अभी तक, नाउ कार सी ने तो 32 से किया था, द राइट आंसर विल बी 3, एम आई क्लियर, नाउ क्वेश्चन कम टू क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1, देखो कार ए ने स्टार्ट किया था 6 से, तो 12 - 6, कार ए अभी कहां पर है, लगभग 11 पर है अप्रोक्सीमेटली, तो कार ए के लिए कितना मिला, 11 - 6, नियरली 5 किलोमीटर ही कवर किया, ठीक है, बी ने कितना कवर कर लिया, देखो वो स्टार्ट हुआ था, कार बी ने कितना कवर कर लिया, 12 कवर कर लिया, और कार सी ने कितना कवर किया, 10 किलोमीटर, ठीक है, तो क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द कार इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, और कार इसने देखो बी ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया 1.2, कार सी को 1.2 से ज्यादा टाइम लगा, कार ए को देखो सबसे ज्यादा कार ए ने लिया, डिस्टेंस भी कम कवर किया और टाइम भी ज्यादा ले रही है वो, ठीक है, कार बी सबसे फास्ट चल रही है इस टाइम, ठीक है, द राइट आंसर विल बी कार बी, ठीक है. फिफ्थ एंड सिक्स, दे आर द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन योर इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपने मेरी अभी स्टार्ट कर ली होंगी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, हो गया स्कूल में टॉपिक, नो नहीं हुआ, तो ये तीनों इक्वेशन, तीनों क्वेश्चन इन इक्वेशन पर बेस्ड हैं, तो
तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम एक बार ग्राफ वाला क्वेश्चन यस देख मैम। लेते हैं जो कि जल्दी से रीड कीजिए। ग्राफ कैन बी यूजफुल व्हेन स्टडिंग मोशन। ऑन अ ग्राफ द लाइंस रोज ऑन द वर्टिकल स्केल डिवाइडेड बाय इट्स राइज ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल इज कॉल्ड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट स्टैंड्स फॉर स्लोप। ग्रेडियंट का मीनिंग स्लोप, राइट? ठीक है, और ये कुछ नहीं बोल रहा, बेसिकली सिंस ऑन वाई एक्सिस अपॉन डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। अभी तक ये तीन लाइन में उन्होंने यही बोला है हमें, ठीक है? विद अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ द ग्रेडियंट अगेन स्लोप टेल्स यू हाउ मच एक्स्ट्रा डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड पर सेकेंड। सो ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ द ग्रेडियंट ऑफ टाइम ग्राफ में जो हमें स्लोप मिलती है, दे आर सेइंग जो स्लोप होगी दैट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी और स्पीड। समझ आया कुछ? वो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप निकलेगा वो स्पीड के इक्वल होगा, स्पीड पता लग जाएगी, यस मैम, ठीक है? आगे देखिए, यस। बिलो इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड। सो फर्स्ट क्वेश्चन, बेटा मैं ग्राफ ज्यादा जरूरी डिस्कस करना, क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, मेरे पास जो वर्कशीट है। बिटवीन पॉइंट्स डी एंड ई ऑन द ग्राफ, यस, क्या कार कुछ कर रही है पॉइंट डी और ई में? यहां तक स्ट्रेट लाइन है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? इट, यस, डी एंड ई में द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट फ्रॉम पॉइंट डी एंड ई। पॉइंट्स इट्स स्पीड इज स्टेडी। स्पीड कहां पर स्टेडी है? मतलब सेम स्पीड से चल रहा है लगभग। स्टेडी स्पीड का मतलब होता है कि कुछ इस टाइप का ग्राफ सीडी अगर आपको मिल रहा है। सीडी में तो नहीं लग रहा बेटा, ओनली ए बीसी बी बेटा, लगभग लगभग। ये देखो इट इज अप्रोक्सीमेटली अ स्ट्रेट लाइन। ए बी नहीं है बेटा, यस बीसी विल बी द राइट आंसर। मैम, ए बी क्यों नहीं है? ए बी बेटा यहाँ पे ना थोड़ा सा ज्यादा वैसे ले सकते हो अगर आपके पास बीसी ऑप्शन नहीं होती ना। यहाँ पर बिटवीन विच पॉइंट इज स्पीड स्टेडी। स्टेडी मतलब ये की तरह की स्पीड है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस कम कवर हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, यस मैम, ठीक है? डिस्टेंस तो थोड़ा कवर हुआ, टाइम ज्यादा लगा, दैट इज ओके वाई द थैंक यू रीजन, मैम। ठीक है? नाउ एक बार फोर्थ पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आती हूँ वापस। व्हाट इज द एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड डी? आपसे पूछा गया ए टू डी के बीच में एवरेज स्पीड क्रिएट। एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? फोर टोटल डिस्टेंस ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, अपॉन मीटर टोटल टाइम। यस, पर सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ बेटा? 60 मान लो, एंड टोटल टाइम कितना था? 25, 20। कितना आया बताइए मुझे बेटा? ये 60 पे नहीं जा रहा है वैसे, आप इसको ना 50 के पास अप्रोक्सीमेटली मानकर चलो, नियरली 50 55 के राउंड आ रहा है ये। पॉइंट डी जो है स्ट्रेट लाइन चाहिए ना हमें, ठीक है? अगर आप इसको 50 ले लेते हो तो 2.5 आएगा, 60 लोगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। अगर थोड़ा सा ये पॉइंट ऊपर होता लाइक दिस, फिर ये 60 बन जाता, फिर हम 60/20 ले लेते हैं। पर्पस समझ आया ना, कैसे करना कैसे है, बेसिकली ये मतलब है हमारा, ठीक है? 2.5 हाँ जी बेटा बिल्कुल। अगर 50 ले रहे हो तो इट विल बी 2.5, अगर 60 ले रहे हो तो इट विल बी 3 meters पर पर सेकेंड। सेकेंड 55 में आएगा वैसे। हाँ वैसे मैंने वही बोला, इट शुड बी 55, क्योंकि 50 तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ हो गया ना, तो ये 55 बना रफली आपका। 55 ले लो, 2.75 meters पर सेकेंड, ठीक है? क्वेश्चन समझ आया? डिड द फोर फिफ्थ पॉइंट, डिड द कार मूव विद यूनिफॉर्म मोशन फ्रॉम ए टू लो ई? क्या कार का यूनिफॉर्म मोशन लो था? यूनिफॉर्म मोशन होता, यस, तो वो ऐसा ही रहता, स्ट्रेट लाइन। बट ये तो हमारे पास एक कर्व्ड लाइन आ रही है ऐसे करके, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। नो, देयर इज नो यूनिफॉर्म मोशन। रीजन लिखो इसका साथ में, यूनिफॉर्म नो, मोशन क्यों नहीं है? बिकॉज़ द कार डिड द नॉट, द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। आया यस। बेटा समझ? चलिए नाउ विच पार्ट इज पेंडिंग? थर्ड पार्ट, व्हाट इज इट स्टेडी स्पीड? स्टेडी स्पीड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। कार कहां पर यूनिफॉर्म हुई थी? फ्रॉम यूनिफॉर्म, या फिर हम इसको बोलें स्टेडी। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। हम देख लेंगे कि बी टू सी में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है? और फिर क्या देख लेंगे, उसका उसका टाइम कितना लगा, बी टू सी में उसको टाइम कितना लगा, ठीक है? तो देखो 20 के बीच में आ रहा है, और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम हमें पता है 55 लिया था अभी हमने, और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम आपका लगभग जा रहा है 10, ठीक है? तो कैलकुलेट कर लो बस, एवरेज स्पीड क्या हो गई?
टोटल डिस्टेंस अपॉन मैम जो टोटल सी टाइम। पॉइंट है वो 50 नहीं होगा? सी हाँ पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, रुको 50 कर लो, ठीक है इसको 50 कर लो, ये इस तरीके से कर लो, ठीक है। तो टाइम कितना हुआ, 50 माइनस 10 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 50 to 10 का क्या गैप लेना है, तो ये आ जाएगा 40। 50 नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ 50 15 पे तो नहीं आ रहा बेटा बिल्कुल भी, आपका 15 पे जा रहा है स्केल के अकॉर्डिंग। मैम जो सी पॉइंट है वो 50 हाँ है। नहीं नहीं बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा बनने में दिक्कत हुई है, मेरे पास भी 15 नहीं आ रहा है वहां पे, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट शिफ्ट हुआ हुआ है, ये 15 पे ले लो आप इस तरीके से, ठीक है। तो टाइम कितना ले लोगे आप, 15 माइनस 5, तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो 4 मीटर, ठीक है समझ आ गया। चलिए कोई पार्ट में डाउट बेटा किसी पार्ट में, हेलो चलिए एजर्शन, चलिए एजर्शन रीजन देख लीजिए बेटा, दो ही एजर्शन रीजन है, वर्कशीट पूरी हो जाएगी जल्दी से। एजर्शन इज वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज वेल एज फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, कर सकते हैं बताइए। हमारे पास बोला ना मैंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या स्पीड टाइम ग्राफ हो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो हम दोनों ग्राफ से डिस्टेंस, रीजन एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? सपोज ये 0 है एक्सेलरेशन, मैम वी कैन कैलकुलेट, हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा एक्सेलरेशन, जैसे कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, हमने किए भी थे ग्राफ इसके, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिटार्डेशन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, द सिक्स्थ क्लास, व्हेन द मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप्स देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी बिकम जीरो, हेलो जब कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। ये अभी जो इक्वेशन करनी है ना बेटे, तो इट शुड बी फॉल्स। रीजन, व्हेन द मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप्स देन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव, जब स्टॉप होता है तो स्पीड कम होती नेगेटिव जाती है, स्पीड कम होगी तो वी विल गेट नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप मींस नेगेटिव एक्सलरेशन, टू नेगेटिव एक्सलरेशन, ठीक है। इट इज ट्रू, सो यू आर गेटिंग द राइट आंसर फर्स्ट वाले में, जो एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। एंड फॉर नाइन्थ क्वेश्चन द आंसर विल बी डी, यस मैम। ठीक है। सो बेटा आई थिंक मेरी साइड से मैंने ग्राफ आपको एक बार क्लियरली करवा दिए हैं सारी तरह के, स्टिल अगर कोई डाउट होगा इन द कमिंग क्लासेस आई विल टेक योर डाउट्स, ठीक है। ठीक क्वेश्चन है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप समझ आ गया होगा सबको। ओके बाय एवरीवन। यस।